गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फिर से एक प्रैक्टिस क्लास, और आज की क्लास में हम जो आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा हार्डर रहेगा, क्योंकि आज मैंने तीन टाइमिंग सिखाई हैं आपको, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, जिसमें आपको सिखाया आपकी मजबूरी, जो आपको करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ता रहेगा, ये चीज़ें आपको सिखाई थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से आ गई होंगी, राइट। लेकिन अभी एक चीज़ है जो है क्वेश्चन आंसर करना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा या आंसर करूँगा तो किस तरीके से आप लोग आंसर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, प्रैक्टिस क्लास है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा और ये आंसर देंगी, ठीक है, और शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और ये आंसर देंगे। सो सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा कि भाई डू यू हैव टू डू दिस, डू यू हैव टू डू दिस, क्या तुमको ऐसा करना पड़ता है। सो देयर विल बी टू आंसर, येस और नो, या तो ये यस कहेंगी या फिर ये नो कहेंगी। सो अगर ये यस कहेंगी तो बोलेंगी यस आई हैव टू डू दिस, यस आई हैव टू डू दिस, हाँ मुझे ये करना पड़ता है। या अगर नहीं है इनका मन तो कहेंगे नहीं मुझे ये नहीं करना पड़ता, नो आई डोंट हैव टू डू दिस, आई डोंट हैव टू डू दिस, सिंपल है। जैसे मैं पूछता हूँ क्या आपको बर्तन धोने पड़ते हैं, तो मैं पूछूंगा डू यू हैव टू वॉश द डिशेस, तो ये कहेंगी यस आई हैव टू वॉश द डिशेस। और अगर इनकी मेड है तो नहीं धोने पड़ते होंगे तो बोलेंगी नो आई डोंट हैव टू डू द डिशेस, ठीक है। एंड नाउ इट्स टर्न टू आस्क द क्वेश्चंस, ओके आर यू रेडी, ओके। सो डू यू हैव टू वॉश द कार, यस आई हैव टू वॉश द कार, ओके। डू यू हैव टू कुक फूड, यस आई हैव टू कुक फूड, okay. Do you have to take liquor? No, I don't have to take liquor. Okay. Do you have to take bath regularly? Yes, I have to take bath regularly. Okay. Do you have to go to parties? Yes, I have to go to parties sometimes. Do you have to go in parties, right? Okay. So it was my mistake. Okay. ओके सो अब मैं यही क्वेश्चंस हिंदी में पूछूंगा ताकि आपको डिफरेंस याद रहे, ठीक है। अच्छा बताओ क्या आपको रोज पढ़ना पड़ता है, यस आई हैव टू स्टडी रेगुलरली, ओके। क्या आपको भागना पड़ता है सड़क पे, नो आई डोंट रन ऑन द आई डोंट हैव टू रन ऑन द रोड। अच्छा क्या आपको रोज खाना खाना पड़ता है, यस आई हैव टू ईट फूड डेली, ओके। क्या आपको सपने देखने पड़ते हैं, यस आई हैव टू ड्रीम, ओके। क्या आपको बच्चों को मारना पड़ता है, नो आई डोंट हैव टू बीट चिल्ड्रन, ओके। सो समझ में आ रहा है, राइट, आई होप आप लोगों के भी समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है पास्ट, कि क्या ऐसा करना पड़ता था, बचपन की बात या पुरानी बात, तो हम पूछेंगे डिड, राइट, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, डिड यू हैव टू डू दिस, डिड यू हैव टू डू दिस, कि आपको ऐसा करना पड़ता था। सो देयर विल बी टू आंसर्स, यस एंड नो। सो इफ यस यू कैन से यस आई हैड टू डू दिस, एंड इफ नॉट देन नो आई डिड नॉट हैव। अच्छा और बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक सेशन करने वाला हूँ जिसमें आपको ये कन्फ्यूजन दूर करूँगा कि सर डिड के साथ हैव आया, यहाँ हैड आया, ये क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल आपको ऐसे ही मेमोराइज करना है, बस सीख जाओ, बोलो बस। मम्मी ने जब आपको पहला सेंटेंस बोला होगा, मम्मी ने आपको रूल्स नहीं समझाए होंगे डेफिनेटली, जो भी आपकी मदर टंग है, आपको मम्मी ने नहीं बताया होगा कि बेटा मैंने यहाँ पर ये रूल यूज़ किया है, आप बस फोकस किया आपने, ठीक है, फॉलो किया और आप सीख गए। ऐसा नहीं मम्मी ने बताया देखो बेटा मैंने यहाँ पर ये इसलिए बोला है, ऐसा ये प्रेजेंट टेंस है बेटा, आपको कुछ नहीं बताया गया था, आप बस बोलने लगे थे, ठीक है। सो ऐसे ही है, फिर ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, जितना बताया वो करो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन होगा जैसे क्या बचपन में आपको भागना पड़ता था, डिड यू हैव टू रन इन योर चाइल्डहुड। सो देयर विल बी टू आंसर, यस आई हैड टू रन, हाँ मुझे भागना पड़ता था, या नो आई डिड नॉट हैव टू रन, सिंपल है, ठीक है। बताओ क्या दो साल पहले आपको रोज नहाना पड़ता था, नो आई डिड नॉट हैव टू टेक बाथ बिफोर टू ईयर्स एगो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बचपन में आपको टॉयज के साथ खेलना पड़ता था,
Yes, I had to play with toys. Okay, क्या बचपन में आपको स्कूल जाना पड़ता था? Yes, I had to go to school in my childhood. अच्छा, क्या आपको याद करने पड़ते थे long questions? Yes, I had to learn long questions. अच्छा, क्या आपको exam देना पड़ता था? Yes, I had to exam. I had to give exam. I had to give exam. अच्छा, क्या आपको कभी-कभी cheat करना पड़ता था? Yes, I had to cheat. ओके, क्या आपको लोगों की हेल्प भी करनी पड़ती थी? यस, आई हैड टू हेल्प अदर्स. ओके, डिड यू, नाउ आई एम आस्किंग इन इंग्लिश. ओके, ठीक है. सो डिड यू हैव टू प्ले विद द चिल्ड्रन? यस, आई हैड टू प्ले विद चिल्ड्रन. ओके, डिड यू हैव टू मेक टी फॉर योर मदर? यस, आई हैड टू मेक टी फॉर माय मदर. ओके, डिड यू हैव टू टेक टी फॉर योर फादर, मेक टी फॉर योर फादर? यस, आई हैड मेक tea. I had to make tea for my father. Okay, did you have to go to college regularly? No, I did not have to go to college regularly. So guys, everything here is normal. Sab theek hai yahan par to. And now about you, I can't say the weather. I can test you in your test. Theek hai? Okay, test mein hi test kar lunga main. Chaliye, and the last question is here. Will you have to do this? The question is, will you have to do this? क्या आपको ऐसा करना पड़ेगा? क्या आपको ऐसा करना पड़ेगा? Will you have to do this? Think and tell me. So the answer is yes and no. Yes, I will have to do this. I will have to do this. हाँ, मुझे करना पड़ेगा. या no, I will not have to do this. Right? This is so simple. अगर मैं पूछूंगा क्या आपको दो साल बाद नहाना पड़ेगा, तो मैं पूछूंगा विल यू हैव टू टेक बाथ आफ्टर टू ईयर्स? सो आप कहेंगे यस सर, आई विल हैव टू टेक बाथ, हाँ मुझे नहाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक बाथ. या नहीं सर, मुझे नहीं नहाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू टेक बाथ. इट इज़ सो सिंपल, राइट? सो नाउ इट्स योर टर्न. फर्स्टली आई विल आस्क यू इन इंग्लिश. ओके, ओके, आफ्टर वन ईयर, ओके, विल यू हैव टू अपलोड वीडियोज ऑन माई चैनल? Yes, I will have to upload videos on your channel. Okay, after 2 years, will you have to fight with me? No, I will not have to fight with you. I will not have to fight with you. Okay, it's a lengthy sentence, isliye thode problem ho rahi hai. Acha, okay, after 2 years, will you have to go with me in a car? Yes, I will have to go in your car. With you in your car. Okay. क्या हमें 2 साल बाद घर बनाना पड़ेगा? Will we have to make a new house after 2 years? Yes. We will have to make a new house after 2 years. After 2 years. So lengthy sentence में कहीं आप हिल ना जाओ, ठीक है? She is getting the breakdown and it's not good. चलिए बताइए, टुमारो, आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो. ओके, विल यू हैव टू मेक चपातीज फॉर मी? यस, आई विल हैव टू मेक चपाती फॉर यू. विल यू हैव टू ब्रश योर टीथ? यस, आई विल हैव टू ब्रश माय टीथ. क्या आपको अपनी बच्ची मारनी पड़ेगी, पीटनी पड़ेगी? नो, आई विल नॉट हैव टू बीट माय बेबी. ओके, क्या आपको उसके लिए हॉर्लिक्स बनाना पड़ेगा? Yes, I will have to make Horlicks for her. अच्छा, क्या आपको उसके साथ खेलना पड़ेगा? Yes, I will have to play with her. Will you have to give me food? Yes, I will have to give you food. Okay, will you have to iron the clothes? No, I will not have to iron the clothes. मेरा खर्चा बड़ा हुआ है यहाँ पे. अच्छा, will you have to learn English? Yes, I will have to learn English. So that's very clear, guys. समझ में आया? And please get the site. Okay guys, look this board. Okay, this is the board. You can take the screenshot of this. Okay, take the screenshot. Okay, so this class is so easy. Now it's your turn. I'm going to ask you questions and you can take the screenshot and memorize it. Okay, don't worry about anything. Okay, don't worry about anything. Just focus on your practice. Okay, so let's get started. I will ask you questions. So say bye to ma'am and she is going now.
एंड नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चन. सो गाइज अब आपकी बारी है. अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और आप ही लोगों को आंसर देने हैं. बट आंसर देते हुए एक बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आज मैंने आपको तीन टाइमिंग सिखाई है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो अकॉर्डिंग टू सेंस आपको ये याद रखना है आपको किस टाइमिंग में आंसर देना है. जैसे अगर मैं पूछूंगा हैड टू, हैड टू का मतलब है पास्ट की बात कर रहा हूँ, क्या आपको पास्ट में ऐसा करना पड़ता था. अगर मैं आपसे पूछूंगा हैव टू, तो आपको आंसर देना होगा प्रेजेंट में कि आपको ऐसा करना पड़ता है. और अगर मैं पूछूंगा विल हैव टू, तो आपको आंसर देना होगा फ्यूचर में कि मुझे ये करना पड़ेगा. राइट तो शुरू करते हैं. अब आप आंसर दीजिए मुझे, क्या आपको मेरी वीडियोज देखनी पड़ती है. डू यू हैव टू वॉच माई वीडियोज. ओके क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है. डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है. डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या आपको अपना घर धोना पड़ता है. डू यू हैव टू वॉश योर होम. क्या आपको वीडियो एडिट करनी पड़ती है. डू यू हैव टू एडिट वीडियोस. क्या आपको नए वर्ड्स याद करने पड़ते हैं. डू यू हैव टू लर्न न्यू वर्ड्स. ओके गाइज अब मैं आपसे पास्ट की बातें पूछ रहा हूं, आप पास्ट की बताइए. क्या आपको बचपन में दूध पीना पड़ता था. डिड यू हैव टू ड्रिंक मिल्क इन योर चाइल्डहुड. क्या बचपन में आपको स्कूल जाना पड़ता था. डिड यू हैव टू गो टू स्कूल इन योर चाइल्डहुड. क्या बचपन में आपको सोना पड़ता था. डिड यू हैव टू स्लीप इन योर चाइल्डहुड. क्या बचपन में आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता था. डिड यू हैव टू पे इलेक्ट्रिक बिल इन योर चाइल्डहुड. बचपन में क्या आपको नए कपड़े खरीदने पड़ते थे. डिड यू हैव टू परचेस न्यू क्लोथ्स इन योर चाइल्डहुड. क्या बचपन में आपको फोटो खींचने पड़ते थे. डिड यू हैव टू कैप्चर फोटोग्राफ्स इन योर चाइल्डहुड. ओके सो गाइज ये बात हो गई पास्ट की. राइट एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. ठीक है एक साल बाद की बात करें. क्या एक साल बाद आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना पड़ेगा. विल यू हैव टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल आफ्टर अ ईयर. क्या दो घंटे बाद आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा. विल यू हैव टू गो टू रेलवे स्टेशन आफ्टर टू आवर्स. क्या इस वीडियो के बाद आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा. विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर दिस वीडियो. क्या आपको मेरी वीडियो को शेयर करना पड़ेगा. विल यू हैव टू शेयर माय वीडियो. क्या आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. विल यू हैव टू मेक नोट्स. क्या आपको एक नई बाइक खरीदनी पड़ेगी. Will you have to purchase a new bike? So guys, I hope आप लोगों ने सभी ने आंसर दे दिए होंगे. तो गाइज यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहे. गाइज मैंने अभी आपसे सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछे हैं, बट आई थिंक कि आपको मोर देन 20 अभी और प्रैक्टिस करने हैं. एक दिन में कम से कम 40 सेंटेंसेज हमें प्रैक्टिस करने होते हैं. तो आप कम से कम इतना टारगेट लेके चलिए. और इंग्लिश सीखने के लिए फिर आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सबसे मेन है. और कोई आपको इंग्लिश नहीं बुलवा सकता गाइज, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी. जब तक आप नहीं सोचोगे कि बोलना है, जब तक कोई नहीं बुलवा पाएगा आपसे. ठीक है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए. वीडियोस में मेरे व्यूज कम आते हैं, बस ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, बाकी कोई आप लोगों से शिकायत नहीं है. सो अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर करना. थैंक यू.